शाहरुख खान की पठान मूवी ने बॉलीवुड से लेकर साउथ की सुपरहिट फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। ये 2023 की एक्शन एंड सुपरहिट मूवी है जिसने बहुत सी बॉलीवुड फिल्मों को धूल चटा दी है। इस मूवी को बहुत बायकॉट किया गया था, यहाँ तक कि इस मूवी के सुपरस्टार शाहरुख खान के ऊपर बहुत आरोप लगाए गए थे। ये मूवी 25 जनवरी 2023 को रिलीज हुई थी। ये अब तक की एक ऐसी मूवी है जिसने रिलीज होने से पहले ही एडवांस बुकिंग में 6 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस मूवी की पहले दिन की कमाई बॉक्स ऑफिस पर 105 करोड़ रही। इस मूवी को जितना अधिक बायकॉट किया गया था उससे कहीं गुना पैसा पहले दिन में ही कमा लिया। इस मूवी के डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ आनंद, जो एक से एक दमदार मूवी को बनवा चुके हैं। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया है यशराज फिल्म्स कंपनी ने। इस मूवी को बनाने और एडवर्टाइजमेंट में टोटल 225 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इस मूवी को भारत के अलावा कई देशों में बहुत अधिक पसंद किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये मूवी वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ रुपए ही कमा पाएगी, लेकिन इस मूवी ने अपने रिलीज होने के 21वें दिन तक 923 करोड़ रुपए की कमाई की है, जिसके साथ ये बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है जिसने बहुत सी फेमस मूवियों को पीछे छोड़ दिया है। इस मूवी में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन इब्राहिम जैसे कई हस्तियां शामिल हैं। जहां शाहरुख खान की जीरो मूवी बहुत बुरी तरह से पिटी थी जिसने शाहरुख खान को 4 साल के लिए गायब कर दिया, लेकिन पठान मूवी आने के बाद फैंस के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ आई है। शाहरुख खान की पठान फिल्म की कहानी एक एजेंट और उसके मिशन की है, जिसे देश के दुश्मन के मंसूबों पर पानी फेरना है। यह देश का दुश्मन है जॉन इब्राहिम, जो कॉन्ट्रैक्ट लेकर अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देता है, लेकिन इसकी राह का रोड़ा बनता है पठान यानी कि शाहरुख खान। उसका साथ देती है दीपिका पादुकोण। इस तरह फिल्म की कहानी एक्शन और रोमांस से भरी हुई है, जिसमें टाइगर यानी सलमान खान की एंट्री भी है। डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने पठान को मसाला फिल्म बनाया है। उन्होंने इंटरनेशनल लेवल की एक्शन सीक्वेंस शूट किए हैं। शाहरुख खान का एटीट्यूड और पठान का अंदाज फिल्म की कहानी में मौजूद खामियों को काफी हद तक छिपा देता है। हालांकि ये फिल्म भी सिद्धार्थ आनंद की पुरानी फिल्म बोर को बार बार याद दिलाती है। साथ ही एक्शन के नाम पर कई सारी ऐसी चीजें दिखाई गई हैं जो बेसिर पैर पर लगती है, जैसे बंद कमरे में हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश, दुबई की सड़कों पर बंदूक लेकर चलते जॉन इब्राहिम जब शहर में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही थी। पठान एक टोटली मसाला एंटरटेनमेंट फिल्म है जो इस पैमाने पर पूरी तरह खरीद करती है। फिल्मों के इंटरवेल में लोग बाहर जाते हैं, लेकिन पठान के थिएटर में मैंने लोगों को नाचते और गाते और चिल्लाते हुए देखा है। कोरोना काल के बाद फिर से रिवाइव करने के लिए शायद सिनेमा घरों को पठान जैसी इसी वैक्सीन की जरूरत थी। ये मूवी हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही है।